परम सत्कार योग साध संगत जी, अज की साखी है सतगुर मेरा अंतर जामी। हर बच्चा अपने पिछले किते कर्मा दे अनुसार किसी दे घर जन्म लैंदा है। सानू उस दे पिछले कर्मा दा कोई पता नहीं होंदा, पर अंतर जामी सतगुरु जी सब कुछ जानते हैं। सरसे रहन वाले बीबी प्रीत कौर जी 13 साल पहला दी साखी इस तरह दसदे हन। बीबी प्रीत कौर जी की सरसे रहन वाली बेटी बीबी गुरनाम कौर के घर बच्चा होने वाला सी। वह अपनी माता के घर रहने वास्ते आई हुई सी। बच्चे के जन्म तो 15 दिन पहला सच्चे पातशाह जी उन्होंने घर चरण पाने लिए आए। बीबी गुरनाम कौर ने मत्था टेकया तो सच्चे पातशाह जी ने संत सुखदेव सिंह जी जेड़े जीवन नगर के नंबरदार भी हैं उन्होंने फड़ के पर ले जाके बचन किया कि इस बीबी के घर काके ने जन्म लेना है, आपा उसका नाँ तारा सिंह रखना है। इस तो 15 दिन बाद काके का जन्म होया। काके के पिता तरनजीत सिंह ने सुखदेव सिंह जी ने फोन किया कि काका होया है। अगों सुखदेव सिंह जी ने सीधा ही कहा कि तारा सिंह आ गया है। तरनजीत ने कहा कि तुहानू किस तरह पता है? उन्होंने जवाब दिता कि सच्चे पातशाह जी 15 दिन पहला ही मैनू दस गए सन कि इस बीबी के घर काका होना है, आपा उसका नाँ तारा सिंह रखना है। तरनजीत सिंह बड़ा हैरान होया। जदों काके ने जन्म लिया तो उसकी सेहत बड़ी ढिली सी। उसनु एमरजेंसी विच रखिया होया सी, ऑक्सीजन लगाई हुई सी। उसी दिन ही काके दे पिता ते नाना जी अते नानी जी भैणी साहब सच्चे पातशाह जी अगे अर्ज करन आए कि काका बड़ा ढिला है, आप जी कृपा करो। जदों उन्होंने मत्था टेकया तो सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि तारा सिंह आ गया है। उन्होंने अर्ज किया कि अगे आप जी ने बड़िया खुशियां दित्तियां हन, होर खुशियां दिओ। सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि सतगुरु जी ने तुहानू बहुत खुशियां दित्तियां हन, होर की चाहिदा है। नाल ही उन्होंने उन्होंने सेबां का प्रसाद दिता। वह मत्था टेक के वापस सरसे चले गए। वह सीधे हस्पताल गए। उन्होंने वेख्या कि काका बिल्कुल ठीक सी, ऑक्सीजन उतरी हुई सी। धन हन कृपा निदान दीन दुनिया दे वाली सतगुरु जगजीत सिंह जी, उन्होंने कोटि कोटि प्रणाम। सत श्री अकाल।